हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ट्राजेक्टोरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे और इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे और आप भी अपने टेक्स्ट बुक से इनके हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम संकोच कर लेते हैं। यहां पर ग्राउंड से एट पॉइंट ओ से हमने कोई पार्टिकल थ्रो किया है। ठीक है, जिसका पाथ कुछ इस टाइप से है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यू सपोज कर लेते हैं और इसका प्रोजेक्शन एंगल हम अल्फा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, ये दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये यू एक्स हो जाएगा और ये आपका यू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यू एक्स की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी यू कॉस अल्फा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, यू वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा यू साइन अल्फा, और ए एक्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जीरो होगा और ए वाई आपका माइनस जीरो। ठीक है, ए एक्स डियर स्टूडेंट्स जीरो है। ए एक्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन एलॉन्ग एक्स जीरो है। एक्सेलरेशन एलॉन्ग एक्स अगर जीरो है, एलॉन्ग एक्स एक्स कंपोनेंट में अगर एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स जीरो है तो एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वह चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी अलोंग एक्स एक्सिस एट एवरी पॉइंट। हम कहीं पर भी इसका एक्स कंपोनेंट डिस्कस करेंगे इस पार्टिकल का, तो इसका जो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा डियर स्टूडेंट्स वह एवरी पॉइंट पर सेम आएगी। ठीक है, यहाँ से डियर फ्रेंड्स, चाहे हम इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे, चाहे इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है डियर फ्रेंड्स, इस पाथ में जो वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वह आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ओ से ए तक तो रिड्यूस करेगा। ठीक है, वाई कंपोनेंट डियर फ्रेंड्स देखें तो इसका जो y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है, y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो डियर फ्रेंड्स उससे a तक इसका बढ़ रहा है पार्टिकल का अलोंग y डायरेक्शन, लेकिन इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है डियर फ्रेंड्स वह धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होते होते यहाँ पर जीरो हो जा रहा है y कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ से डियर फ्रेंड्स y कंपोनेंट इसके बाद एवरी पॉइंट पर अपोजिट ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हमने जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है एट प्रोजेक्शन एंगल अल्फा पर, इसका पाथ कुछ ओ ए बी है। अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर नाम दे दें बी, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल दो एक्सिस के अलावा डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आइए हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्टिकल का जो एलॉन्ग x डायरेक्शन है यू एक्स, ठीक है, इंटू टी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यू एक्स की वैल्यू आपको पता है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है u cos अल्फा इंटू टी, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें, पार्टिकल का y के एलॉन्ग कितना डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल y के एलॉन्ग। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, है ना, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यू वाई टी आपका हो जाएगा यू
साइन अल्फा, यू साइन अल्फा इंटू टी, ठीक है, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी होगी, तो माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, तो ये हो गई वैल्यू आपकी वाई की, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमको पता चल गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए इसमें हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। सपोज कर लेते हैं, नेक्स्ट का मतलब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे हम सपोज कर लें कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल ओ से इस किसी पॉइंट, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट इसको कुछ नाम दे सकते हैं, सी बोल सकते हैं, किसी पॉइंट सी पर है, ठीक है। तो पार्टिकल का यहाँ पर वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा डियर स्टूडेंट्स, वह थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, है ना, तो वह चेंज हुआ होगा। तो उस चेंज वेलोसिटी को आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह वी है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट तो वी एक्स ही हो जाएगा आपका, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू भी आपकी वही आएगी, ठीक है, वी एक्स की वैल्यू वही क्या आएगी डियर फ्रेंड्स, यू एक्स की वैल्यू जो कि आई है, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी इनवेरिएंट होगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वी एक्स यू एक्स की वैल्यू सेम आएगी, यू कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से वी एक्स इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा। वी वाई अगर डियर स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, वी वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से निकालने के लिए हम एक रिलेशन जानते हैं, यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू हमको पता है। तो यहाँ से यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन अल्फा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल गया एलॉन्ग वाई। तो वी वाई की वैल्यू भी हमको पता चल गई, वी एक्स की वैल्यू पता चल गई, यू वाई की वैल्यू पता चल गई, यू एक्स की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चल गई, वाई की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इस पॉइंट सी पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखें ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी का ये है डायरेक्शन, ये एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट शो कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम यहाँ से कैसे निकालते हैं, इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी भी पता चल सकती है, ठीक है। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम आफ्टर टाइम टी किसी पॉइंट पर हम पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फार्मूले से, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जहाँ पर पार्टिकल पहुँचा है इस टाइम पर, अगर इसका हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, थीटा इज इक्वल टू टाइम इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम इसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम इसमें नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से हमको x इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी मिल गया है, और इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी डिस्कस करना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी पार्टिकल का जो मोशन का जो पाथ है डियर स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल जिस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, वो ओ ए बी है, यहाँ फिगर से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ओ ए बी डियर स्टूडेंट्स या एलॉन्ग वाई है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग वाई कह सकते हो, या पार्टिकल वाई एक्सिस के एलॉन्ग कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका वाई प्लेन में जो है मोशन है, इसका वाई प्लेन में जो है पाथ है, तो यहाँ से एस वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, t की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स वाई यू कॉस अल्फा आएगा, ठीक है, तो एक्स वाई यू कॉस अल्फा हो गया।
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को टी स्क्वायर की वैल्यू वही हो जाएगी यू स्क्वायर यहां से लिए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू से यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक्स टैन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को हम सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ से हम कह सकते हैं इसको एक्स टैन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर आपका रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ से ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला, जो कि डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इक्वेशन जो है पैराबोला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी थ्रो एनी पार्टिकल एट एनी एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन द पाथ ऑफ इक्वेशन और वी कैन से दैट द ट्रैजेक्टोरी ऑफ इक्वेशन विल बी पैराबोलिक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एंगल पर किसी प्रोजेक्शन एंगल पर कोई पार्टिकल ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो यहाँ पर इसका जो पाथ होता है वो इसकी जो ट्रैजेक्टोरी होती है वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, जिसका इक्वेशन एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका जो पाथ है वो कैसा है पैराबोलिक। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करवाते हैं। ठीक है, और इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम एग्जाम्पल नंबर वन लेते हैं। इन रिजल्ट्स को डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इनको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसमें हमारा एग्जाम्पल नंबर वन है, पार्टिकल ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इसमें डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जब पार्टिकल पहले 60 पर था, 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से था, 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, उसने पूछा है कि आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी तब कैलकुलेट करिए जब उसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी हम फिगर जो है ड्रा करते हैं पार्टिकल की, तो यहाँ से हम ओरिजिन सपोज कर लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं हमने इस पार्टिकल को, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसने दिया है 40, तो 40 मीटर पर सेकंड से हमने सपोज कर लिए इसको हमने थ्रो किया है। ठीक है, अब इसने दिया है प्रोजेक्शन एंगल कितना दिया है 60। ठीक है, अब आपको डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी तब फाइंड आउट करना है
जब जब यह जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पर इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो 37 हो गया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हम भी सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी एक्स और ये हो जाएगा वी वाई, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सॉरी इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम यू मान लेते हैं तो यहाँ से यू एक्स आपको कितना मिलेगा, यू एक्स मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 40 cos 60, तो 40 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ से यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू वाई की वैल्यू हो जाएगी 40 sin 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 रूट 3/2, ये हो जाएगा 20 रूट 3, ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट्स हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू एक्स यू वाई यहाँ से हमको क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपका वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू और यू एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में केस बता रखा है, तो वी एक्स यू एक्स आपका सेम होगा। तो यहाँ से सिंस वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वी कॉस 37, ठीक है। तो यू एक्स हमको पता है, यू एक्स यहाँ पर 20 है, तो 20 इज इक्वल टू वी कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू हमको मिलेगा 20 अपॉन 4/5, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5/4, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम साइड में लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, यू एक्स इज इक्वल टू हमको मिला 20 मीटर पर सेकेंड, यू वाई हमको मिला 20√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी की वैल्यू मिली हमको, वी की वैल्यू यहाँ से मिली 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल गई। यहाँ डियर स्टूडेंट्स यही आपको फाइंड आउट करना था व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 37 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आपको यही स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो ये हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आइए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, फाइंड द टाइम फॉर द एबव सिचुएशन, फाइंड द टाइम फॉर द एबव सिचुएशन। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, फाइंड द सिचुएशन फॉर द एबव सिचुएशन का मतलब इसने टाइम पूछा है कि कितने टाइम में पार्टिकल का जो एंगल था हॉरिजॉन्टल से जो 60 था वह 60 से 37 हो जाएगा, है ना, वह टाइम कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम एक इसमें रिलेशन लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो इस पार्टिकल का जो एंगल 37 हो जा रहा है वह दो बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट, तो यहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल ड्रा करेगा, ठीक है। एक्चुअली में डियर स्टूडेंट्स इस पार्टिकल का जो 60 से 37 एंगल हो जा रहा है वो दो बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो टाइम कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो पहला टाइम कैलकुलेट करने के लिए इसको अगर हम T1 मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है, या इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं,
तो डियर स्टूडेंट्स टी वन यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एक रिलेशन जानते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी वन, इसको टी वन सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से वी वाई माइनस यू वाई इज इक्वल टू ए वाई इंटू टी वन, तो टी वन इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा वी वाई माइनस यू वाई माइनस यू वाई अपान ए वाई। ठीक है, तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, वी वाई की वैल्यू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। वी वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वी साइन 37। वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, वी साइन 37। वी की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, 3/5 की वैल्यू 0.6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी वाई माइनस यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 25 मल्टीप्लाई बाई 0.6 माइनस यू वाई की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20 रूट 3 और अपान में माइनस जी होगा, माइनस जी की वैल्यू -10 हो जाएगी। इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट हियर 1.96 सेकेंड यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम टाइम T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम T2 के कैलकुलेशन के लिए फिर से ये रिजल्ट लगाओगे। ठीक है, यहाँ से वी वाई माइनस यू वाई अपान ए वाई। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वी वाई की वैल्यू अब की बार निगेटिव ऑर्डर में है। ठीक है, एट पॉइंट बी पर नेक्स्ट टाइम हम T2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये तो वी हो गया, ये वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया। तो वी एक्स का डायरेक्शन तो डियर स्टूडेंट्स सेम है लेकिन वी वाई का डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो गया। तो वी वाई का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो वी वाई की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो वी वाई की वैल्यू यहाँ पर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 0.6 माइनस यू वाई, तो यू वाई की वैल्यू यहाँ से हो गया 20√3 अपॉन यहाँ पर ए वाई की वैल्यू वही हो जाएगी -10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.96 सेकेंड। ठीक है, इसको डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो T1 T2 आपका हो गया 1.96 और T2 आया 4.96। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमको क्या मिली है, 1.96 सेकेंड और T2 की वैल्यू मिली है 4.96 सेकेंड। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमको टाइम कैलकुलेट करना था, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है सी, फाइंड द वर्टिकल हाइट। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल हाइट फॉर द एबव सिचुएशन क्वेश्चन में लिखा है इसने, तो ये वर्टिकल हाइट ये हो गई। ठीक है, इसको हम एस मान लेते हैं और यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स इसका वर्टिकल हाइट सेम होगा, एच भी होगा। तो यहाँ पर हम चाहे एट टाइम T1 इसकी वर्टिकल हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एट टाइम T2। तो एट टाइम T1 पर इसका जो वर्टिकल हाइट है वो एच इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पर T1 हम एट टाइम T1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ T1 कर देते हैं, तो यू वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20√3। ठीक है, 20√3 इंटू T1, T1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.96। फिर यहाँ से ए वाई की वैल्यू माइनस जी आएगी तो -1/2 कर लेते हैं और जी की वैल्यू 10 कर लेते हैं और T1 स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा 1.96 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल हाइट, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे डियर स्टूडेंट्स
ये आ जाएगा 48.7, ठीक है, इतना मीटर। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करना आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम फॉर द एवर सिचुएशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से हम सपोज कर लेते हैं, एवर सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल दो बार जो है एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी पर सेम एंगल ट्रैक कर रहा है, तो यहां पर यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम एक्स वन सपोज कर लेते हैं, और सेकेंड केस में डियर स्टूडेंट्स यहां पर हर पॉइंट बी के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम एक्स टू सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वन की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करने के लिए एक्स वन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा यू एक्स टी वन, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और टी वन की वैल्यू क्या है, टी वन की वैल्यू है यहाँ से 1.96, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 0, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 39.2 मीटर, ठीक है। एक्स टू आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स टू के लिए आपका यू एक्स इंटू टी टू हो जाएगा फार्मूला, यू एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको 20 गिवन है, ठीक है, और टी टू की वैल्यू यहाँ से 4.96 सेकेंड गिवन है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये 2, और ये 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से 99.2 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ इस टाइप से सॉल्व करते हैं, इस टाइप से इसमें मेथड को कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपके और भी एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड करेंगे, और एग्जांपल्स के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।